परी का जादुई हवा हवाई केक। बहुत समय पहले की बात है, किशोरी नगरी में करिश्मा अपने माँ बाबा के साथ ही रहती थी। करिश्मा के माता पिता मजदूरी किया करते थे और चार पैसे कमाया करते थे। करिश्मा की माँ को सिलाई कढ़ाई का भी बहुत शौक था, जिस कारण वो जब भी मजदूरी से फ्री होती वो अपनी सिलाई कढ़ाई का काम करने लगती। करिश्मा के घर में कई बार खाने को अंत तक नहीं होता था, जिसके कारण उन्हें कभी कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। करिश्मा अपनी गरीबी में कभी स्कूल ना जा सकी, लेकिन आसपास के बच्चे जब स्कूल जाया करते थे तो वो अपने माता पिता से स्कूल जाने की जिद किया करती। लेकिन उस गरीबी में करिश्मा को अपना मन शांत करके घर में ही बैठना पड़ता था, और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, जब करिश्मा बाहर खेल रही होती है तभी उसके पड़ोस में रहने वाली अमीर लड़की ज्योति उससे कहती है, सारा दिन ऐसे ही खेलती रहेगी, कभी पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा क्या तूने? हाँ, मैंने तो बहुत सोचा है, चल तू ही मेरा एडमिशन करा दे, तेरे पास तो बहुत पैसा है ना। मैंने सिर्फ तुझसे तेरा हाल चाल पूछा है, ना कि तेरे ऊपर फिजूल खर्चा करने के लिए मेरे पास पैसे हैं। मैं तो बस तेरा मन जान रही थी कि तुझे पढ़ने का शौक है भी या फिर घर के काम काज ही करती रहेगी। सबसे बढ़िया लड़की पड़ोस में अगर कोई है तो वो ज्योति नाम की लड़की है जो मेरे सामने खड़ी है, जिसे सब कुछ पता होने के बाद भी वो मुझे चिढ़ाती है। लेकिन चिंता मत करो, इस गरीबी ने मेरा दिल मजबूत बना दिया है, अब मुझे कोई भी रुला नहीं सकता। मेरे माता पिता बहुत गरीब है, साथ ही वो मुझे अच्छे से रख रहे हैं, उतना ही काफी है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है और मैं अपने सभी दोस्तों को इनवाइट करूँगी, और ना चाहते हुए तुझे भी करना पड़ेगा क्योंकि तू हमारी पड़ोसन है। अगर तुझे इस गांव में सबसे अच्छा केक खाने को मिल सकता है तो सिर्फ मेरे घर पर, क्योंकि मेरे पापा शहर से केक मंगा रहे हैं, और साथ ही साथ मेरे मम्मी ने मेरे लिए बहुत सारे फ्रॉक भी डिजाइन करे हैं, मैं उनमें से किसी एक फ्रॉक को चुनकर पहनूंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुझे पता है मेरी मम्मी को भी सिलाई कढ़ाई आती है, वो चाहे तो मेरे लिए भी बहुत सारी फ्रॉक बना सकती है, वो भी बहुत सुंदर सुंदर, लेकिन बस उन्हें समय नहीं मिलता। चल अपनी बातें बंद कर, मुझे पता है तू बहुत फेंकती है, तुझे अच्छे से पता है तेरी इस गरीबी में तेरे पास कोई ढंग का कपड़ा भी नहीं है जो तू सिलवा सके। लेकिन बात ही तो देखो, अब मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, मैं स्कूल जा रही हूँ। अपने आस पड़ोस से इतने सारे बच्चों को स्कूल जाता हुआ देखकर करिश्मा का बहुत मन करता है स्कूल जाने का, लेकिन उसकी गरीबी उसे हर बार रोककर घर में ही बिठा देती थी और घर के 4 बर्तनों में लगा देती थी। अपनी गरीबी में मजबूर करिश्मा लोगों से लंबी लंबी बातें करती, लेकिन हर कोई उसका मजाक बनाकर चला जाता। इसी तरह ज्योति भी अपने बर्थडे का इनविटेशन देकर चली जाती है और उसके सामने तरह तरह की फ्रॉक और अच्छे केक की बातें करके चली जाती है। वहीं करिश्मा ये सारी बातें अपने दिमाग पर ले लेती है और घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ आप लोग बहुत देर से घर आते हो, पूरा दिन मुझे अकेले निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर ये घर भी मुझे खाने को दौड़ता है, आस पड़ोस के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं और मैं घर में बैठे बैठे ये चूल्हा चौका संभालती हूँ। अरे मेरी गुड़िया, इतनी परेशान क्यों है, चल बता क्या हुआ, किसने तुझे क्या कहा? माँ 2 दिन बाद ज्योति का बर्थडे है और उसके बर्थडे में सभी अमीर लोग आने वाले हैं, साथ ही साथ उसके स्कूल के दोस्त भी, उसने मुझे भी इनवाइट किया है, मैं उसके बर्थडे में जाना चाहती हूँ, तो क्या आप मेरे लिए एक अच्छी सी फ्रॉक सिल दोगी? मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, हर कपड़े में कहीं छेद है तो कहीं कटा फटा है और कहीं पर जोड़ लगा है, मैं ऐसे कपड़े पहनकर उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगी, वरना वो मेरी बेइज्जती करके मुझे घर से बाहर निकाल देगी। ठीक है, परेशान क्यों होती है, मैं कुछ सोचती हूँ, क्योंकि तेरे पिताजी का काम इतना अच्छा नहीं चल रहा कि वो तेरे लिए एक अच्छा सा कपड़ा ला कर दे दे और मैं फ्रॉक बना दूँ। करिश्मा खुश हो जाती है और अपनी फ्रॉक बनने का इंतजार करती है। करिश्मा के पास 2 दिन होते हैं, वो दोनों दिन बहुत बेसब्री से इंतजार करती है। करिश्मा की माँ करिश्मा के पिता से बात करती है, अजय सुनते हो, करिश्मा की दोस्त का बर्थडे है, जो पड़ोस में अमीर घर है ना, वही ज्योति जिसे बचपन में हम लोगों ने भी खिलाया है, हमारी बिटिया उसके बर्थडे में जाने की जिद कर रही है,
क्या आप 4 मीटर कपड़ा लाकर दे देंगे? मैं अपनी बेटी के लिए फ्रॉक सिलना चाहती हूँ क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कोई ढंग का कपड़ा नहीं है। तुम तो जानती हो काम कैसा चल रहा है, फिर भी तुम उसे ये बातें कर रही हो। तुम्हें अपनी बेटी को समझाना चाहिए और वो समझदार है, समझ भी जाएगी। लेकिन तुमने तो उसके बात सुनकर एक ही बार में हाँ कर दिया। देखिए, वो घर में अकेली रहती है, सभी स्कूल के बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई खेलने जाता है तो कोई घूमने। हम ना तो उसे खिलौने लाकर दे सकते हैं और ना ही घुमाने ले जा सकते हैं। क्यों ना हम उसे एक फ्रॉक ही गिफ्ट में दे दे, उसका मन खुश हो जाएगा और हमें भी सुकून मिल जाएगा। करिश्मा की माँ की सारी बातें सुनकर करिश्मा के पिता अगले दिन काम पर चले जाते हैं और शाम को आते वक्त 3 मीटर कपड़ा ले आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, मैं अपने बच्चे के लिए 3 मीटर कपड़ा ला दिया हूँ, अब तुम इसी में उसको फ्रॉक सिल कर दे देना। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं 4 मीटर कपड़ा भी ले आऊं और साथ में सब्जी भी ले आऊं। जैसे ही वो 3 मीटर कपड़ा देखती है, करिश्मा की माँ कपड़ा लेकर तुरंत मशीन पर बैठ जाती है और पूरी रात फ्रॉक को सिलने में लगाती है। पूरी रात मशीन चलाने के बाद करिश्मा की माँ करिश्मा के लिए एक अच्छी सी फ्रॉक तैयार कर देती है और करिश्मा की फ्रॉक पीच कलर की होती है, जिसकी वजह से करिश्मा उसमें बहुत सुंदर दिखती है क्योंकि ये कलर पहली बार मार्केट में आया था। और करिश्मा अगले दिन शाम होते ही सारी तैयारी कर लेती है और ज्योति के बर्थडे में अपनी सुंदर सी फ्रॉक पहनकर जाती है। करिश्मा जैसी ही ज्योति के घर के अंदर जाती है तो देखती है कि घर बहुत सुंदर तरीके से सजाया होता है। अरे वाह, मैंने तो ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा। ये घर कितना सुंदर है और साथ ही साथ इसमें कितनी अच्छी सजावट हो रखी है। मैं भी अपने बर्थडे में ऐसे ही तैयारी करूंगी। जैसे जैसे करिश्मा ये सारी बातें कर रही होती है, तभी पीछे से ज्योति आ जाती है और ज्योति उससे कहती है, पहली बार इतना बड़ा घर देखा है ना तूने, और सच सच बता, मेरे घर की सजावट तुझे बहुत पसंद आई ना। लेकिन जो ख्याल तू अभी देख रही थी, वो ख्याल तेरा कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तू मेरे घर जैसा अपना घर कभी नहीं सजा सकती, क्योंकि पहले तो तेरा घर इतना बड़ा नहीं है और दूसरी चीज, कहाँ तेरे पास इतना पैसा है कि जो तू मेरे जैसे घर सजा सके। तुझे पता भी है, ये सारे डेकोरेशन हमने खुद नहीं करी है, बल्कि बाहर से टीम बुलाई थी, उन्होंने डेकोरेशन करी है। और तेरी फ्रॉक तो आज अच्छी लग रही है। चलो अच्छा हुआ तूने मेरी नाक तो नहीं कटाई। अरे ज्योति, कैसी बातें कर रही है, जैसे तेरे घर में सजावट हो रखी है, ये सजावट तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। और रही बात घर बड़े होने की, तो क्या हुआ, मेरा घर छोटा ही तो है, लेकिन उसमें सजावट तो ऐसी हो सकती है। और तुझे पता है, ये फ्रॉक मेरी मम्मी ने सिली है, अब तू देख ले मेरी मम्मी कितनी अच्छी टेलर है। करिश्मा बहुत खुश होती है और करिश्मा को इतना खुश देखकर ज्योति से रहा नहीं जाता और ज्योति उसे बेइज्जत करने के लिए अपने केक के पास बुलाती है और उसे केक देने लगती है। और तभी जानबूझकर ज्योति केक नीचे गिरा देती है और करिश्मा से कहती है, अरे करिश्मा, तुझे तो केक लेने का भी तरीका नहीं है। चल, अब तेरा केक गिर गया है तो उसे उठाकर खा ले, क्योंकि मैं तुझे दोबारा केक नहीं देने वाली हूँ। तू तो जानती है मेरी क्लास के कितने सारे बच्चे आए हैं, अब मैं सबको दो दो बार केक बांटने लगी तो कैसे पूर्ति होगी सबकी। और मुझे पता है ये केक तूने जानकर गिराया है ताकि तुझे दूसरी बार भी मिल जाए और तू गिरा हुआ केक भी खा ले, है ना। अरे वाह ज्योति, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अमीरी का एक चोचला है बस। तुम सच में अमीर तो नहीं हो, क्योंकि तुम जैसे अमीरों को गरीबों की बेइज्जती करना ही सिखाया जाता है क्या बचपन से? तुझे पता है, अगर तेरा केक मेरे घर पर ऐसे गिरा होता तो मेरे माता पिता ही तुझे सबसे पहले केक देते और गिरा हुआ केक उठाकर साइड में रख देते किसी कुत्ते बिल्ली के लिए। लेकिन तूने तो अपनी औकात अभी से दिखा दी। तू अमीर जरूर है, लेकिन तुझमें तेरी अमीरी का बहुत घमंड है। और तू जानती है, ये एक पैसा भी तेरा नहीं है। अगर तेरे माता पिता तुझसे दूर हो जाए तो तेरी इतनी भी हिम्मत नहीं कि तो 2 रोटी बनाकर खा ले। आई बड़ी मुझे गरीबी जताने वाली। तू जानती क्या है मेरे बारे में, मैंने सारे मुश्किल हालात में अपने माता पिता की मदद करी है। और तू तो वो लड़की है जो मदद करना तो दूर की बात है, किसी से ढंग से बात भी नहीं करती। भगवान करे तुझे यही दिन देखने को मिले जब तुझे भी कोई गिरा हुआ केक खाने को कहे। तेरे जैसे गरीब यही काम करते हैं, दूसरों के बर्थडे में जाकर दो दो बार केक लेकर यही कहते हैं। करिश्मा गरीब जरूर होती है, लेकिन करिश्मा को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से बहुत प्यार होता है और ज्योति के इस व्यवहार से करिश्मा को बहुत बुरा लगता है। और करिश्मा तुरंत वहां से भागती हुई अपने घर की तरफ चली जाती है
और चलते चलते करिश्मा जोर से रो रही होती है और वो एक घने जंगल में पहुंच जाती है। हे भगवान, ज्योति जैसी अमीर लड़की और घमंडी लड़की किसी की दोस्त ना बने। वो दिन उसे भी देखना पड़े, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था। उसने मेरी सबके सामने बेइज्जती कर दी। हे भगवान, अगर मुझे मौका मिले तो मैं उसे हम गरीबों का अच्छा दिल दिखाने का दिन जरूर लाऊंगी और हम कितने अच्छे हैं दिल से ये भी दिखाऊंगी। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं अपने बर्थडे में सबको इतना ही अच्छा केक खिलाना चाहती हूँ। बस मेरी गरीबी मुझे सताती रहती है और मुझे पता है कि मेरे माता पिता इतना अच्छा केक लाकर मुझे कभी दे ही नहीं सकते, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। हमारे घर में खाने के लिए चैन से दो वक्त की रोटी मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। करिश्मा ये सारी बातें अपने आप से कर रही होती है कि तभी जंगल में उसके सामने एक बहुत सुंदर परी प्रकट होती है। वो परी कोई साधारण परी नहीं होती है, वो रानी परी होती है जो अपनी छोटी छोटी परियों को ढूंढने पृथ्वी लोक पर आई होती है। रानी परी करिश्मा को इतना रोता हुआ देखकर उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, बेटा तुम्हें इतना रोने की जरूरत नहीं है, और फिर तुम्हें बर्थडे मनाना है तो वो मैं तुम्हारा मना सकती हूँ। तुम तो बहुत छोटी हो, तुम अगर अभी से इतना रोगी तो आगे तुम्हारा क्या होगा। तुम्हें पता है आंखें बहुत कीमती है, रो रो कर तुम अपनी आंखें खराब कर रही हो। ये लो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इस जादुई केक को अपने पास रख लो। आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? और ये केक मेरी मदद कैसे करेगा? क्योंकि ये कोई मामूली केक नहीं है, ये जादुई केक है। ये तुम्हारी हर जगह मदद करेगा। तुम चाहे तो इसे धन दौलत कपड़े खाना सब कुछ मांग सकती हो। करिश्मा परी का धन्यवाद करके अपने घर पर वो जादुई केक ले जाती है और अपने कमरे में बैठकर जादुई केक से कहती है, हे जादुई केक, मेरी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां मैंने देखी है। मेरे माता पिता और मैं कभी कभी तो बिना खाना खाए भी सो जाते हैं। कृपया करके आप हमें रहने के लिए एक अच्छा सा घर दे दो और उसमें सारी जरूरत की चीजें दे दो, साथ ही साथ तरह तरह के व्यंजन और बहुत सुंदर सुंदर कपड़े भी दे दो, ताकि मेरे माता पिता को भी आराम करने का मौका मिले। उन्होंने बहुत कठिनाइयां झेली है और अब उन्हें आराम करने को मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। इतना कहते ही जादुई केक करिश्मा के पूरे घर में घूमने लगता है और हवा में उड़ता हुआ जादुई केक देखकर करिश्मा बहुत खुश होती है। और जैसे ही थोड़ी देर केक हवा में उड़ता है, उसका पूरा घर एक बड़े घर में बदल जाता है। साथ ही साथ उसमें रहने की सारी जरूरत की चीजें रखी होती है और तरह तरह के फैशनेबल और बहुत ही सुंदर कपड़े, मेकअप किट आदि सब कुछ मौजूद होता है। ये देखकर करिश्मा कहती है, अरे वाह, आज माता पिता जब घर आएंगे तो मैं शाम को सब कुछ बताऊंगी और वो ये घर देखकर तो सोचेंगे कि ये घर किसी और का है। कितनी खुशी होगी उन्हें कि पहली बार वो इतने बड़े घर में रहने का मौका मिला है। जब माता पिता घर में आएंगे तो ये सारे अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे और खुश हो जाएंगे, और साथ ही साथ आज तो हम बहुत ही अच्छा खाना भी खाएंगे। शाम होते ही करिश्मा के माता पिता जब घर आते हैं तो वो देखते हैं कि घर इतना बड़ा है और सोचते हैं कि घर किसी और का है, लेकिन करिश्मा उन्हें घर के अंदर बुलाती है और फिर सारी बात सच सच बताती है। करिश्मा के माता पिता सारी बातें सुनकर खुशी से रोने लगते हैं और फिर परी का धन्यवाद करते हैं और फिर सभी साथ में बैठकर तरह तरह के व्यंजन करते हैं और फिर सो जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन करिश्मा के माता पिता करिश्मा को जादुई केक की मदद से कुछ पैसे लेकर अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं और फिर करिश्मा सभी बच्चों की तरह स्कूल जाने लगती है। और अब करिश्मा का बर्थडे भी नजदीक आ जाता है। करिश्मा अपने सभी दोस्तों को घर पर बुलाती है और अपने जादुई केक की मदद से तरह तरह के केक मंगवाती है और ढेर सारे फास्ट फूड आदि मंगा कर अपने दोस्तों को खिलाती है। देखा ज्योति, मैंने कहा था ना, एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब मैं तुझे अपने घर पर अपने बर्थडे में बुलाऊंगी। और देख, तेरे घर से भी सुंदर डेकोरेशन मेरे घर में हो रखी है। और रही बात मेरे छोटे से घर की, तो तू भूल जा कि अब वो छोटा घर तुझे देखने को मिलेगा। रातों रात हमारी किस्मत चमक गई और अब हम इतने ही बड़े घर में हमेशा रहेंगे और अपनी चैन और आराम की जिंदगी जिएंगे। तो कैसा लगा तुझे मेरा सरप्राइज? मैं चाहूँ तो तुझे केक गिराकर भी दे सकती हूँ, लेकिन तुझे पता है हम गरीबों में एक खासियत होती है, हम खाने की बहुत इज्जत करते हैं। और वो तू कैसे जानेगी? तू तो अमीरों की लड़की है, तुझे तो बचपन से ही खाना बर्बाद करना सिखाया गया है।
करिश्मा अपने सभी दोस्तों को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाकर बहुत खुश होती है, क्योंकि करिश्मा का पहला बर्थडे जो इतनी धूमधाम से बनता है और इसी वजह से करिश्मा बहुत खुश होती है। साथ ही साथ करिश्मा उस अमीर लड़की को भी वो सारी बातें कह देती है जो उसके मन में चल रही होती है। अब करिश्मा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। करिश्मा बहुत खुश होती है और ऐसी ही हंसी खुशी अपने जीवन जीने लगती है और रोजाना स्कूल जाती है और अपने माता पिता का भी खूब ख्याल रखती है, साथ ही साथ गरीब लोगों की भी मदद करती है। कुएं के जादुई 8 लहंगे। बहुत समय पहले की बात है, जब किसी राज्य में एक सविता नाम की औरत अपनी बेटी मनीषा के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी बहुत गरीब थे। वो दोनों अपना जीवन बहुत ही मुश्किल समय में बिता रहे थे। एक दिन सविता अपनी बेटी मनीषा की शादी पक्की कर देती है और वो शादी के लिए तैयारियां करना शुरू कर देती है। अरे, बहुत से काम पड़े हुए हैं, मुझे काम शुरू कर देना चाहिए। मुझे मनीषा के लिए कुछ कपड़े खरीदने होंगे और जरूरी सामान भी खरीदना होगा। इतना सोचकर सविता खरीदारी करने के लिए गांव के नजदीक एक शहर में जाती है। शहर तक जाने का रास्ता जंगल से गुजरता था। जब सविता जंगल से गुजर रही होती है तो उसे जंगल से एक आवाज आती है। सविता वो आवाज सुनकर आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वो देखती है कि उस पिंजरे के अंदर तो कुछ जानवर कैद हो गए हैं। अरे, ये क्या, इन जानवरों को पिंजरे में कैद कर लिया है। लगता है कोई शिकार यहाँ पर अपना जाल बिछा कर गया था और ये बेचारे मासूम जानवर इस पिंजरे में फंस गए हैं। मुझे इन्हें बचाना चाहिए। हमें बाहर निकालो, एक शिकारी ने हमें इस पिंजरे में कैद कर लिया है। वो हमें मार कर खाना चाहता है। उस शिकारी ने हम सभी जानवरों को कैद कर लिया है। वो शिकारी जल्द ही आता होगा। अगर हम इस पिंजरे से जल्दी बाहर नहीं निकले तो वो शिकारी हमें किसी को बेच देगा या हमें मार कर खा जाएगा। कृपया करके आप हमें बचा लीजिए, हम सभी मरना नहीं चाहते हैं। ये सब तो ठीक है, परंतु मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? ये पिंजरा तो बहुत ही मजबूत है। इस पिंजरे से बाहर निकलने का एक उपाय है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक गुफा है। उस गुफा के अंदर उस शिकारी ने ढेर सारा खजाना छुपा रखा है। उसी खजाने के अंदर इस पिंजरे की चाबी भी है। तुम्हें वो लेकर आनी है और इस पिंजरे को खोल देना है। इसके बाद सविता उस गुफा की तलाश करने के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगती है। थोड़ी देर बाद सविता को वो गुफा दिखाई दे जाती है। अरे, लगता है ये वही गुफा है, मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। इतना कहकर सविता उस गुफा के अंदर जाने लगती है। उस गुफा के अंदर सविता चाबी ढूंढने लगती है। तभी सविता चाबी उठाने के लिए आगे बढ़ती है। वैसे ही सविता देखती है, उसकी नजर बहुत ही ज्यादा कीमती खजाने के ऊपर जाती है, जहाँ पर बहुत ही कीमती कीमती हीरे जवाहरात रखे हुए थे। परंतु सविता लालच में ना आकर केवल चाबी उठा लेती है और वो वापस पिंजरे के पास जाती है। उसके बाद वो पिंजरा खोल देती है। उसके बाद वो सभी जानवर आजाद हो जाते हैं। पिंजरे से बाहर निकलकर जानवर अपना रूप बदल लेते हैं और वो 8 परियों के रूप में बदल जाते हैं। अरे, आप तो परियां हैं, मैंने आपको आजाद कर दिया है, अब आप खुले आसमान में घूम सकती हो। हाँ सविता, तुमने हमारी जान बचाकर एक बहुत ही नेक काम किया है। तुम बहुत ही ईमानदार और दयालु भी हो, इसलिए हम तुम्हें बदले में कुछ देना चाहते हैं। तुमने हम 8 परियों की जान बचाई है, इसलिए हम तुम्हें 8 जादुई लहंगे देते हैं। तुम इन 8 जादुई लहंगे को गांव वालों से बचा कर रखना। अगर किसी को पता चल गया तो इन लहंगों का जादू खत्म हो जाएगा। परंतु मैं उन 8 लहंगों को कहां पर रखूंगी? सविता, तुम्हें लहंगों को छुपा कर रखना होगा। तुम्हारे घर के बाहर जो बहुत पुराना कुआं है, उस कुएं के अंदर तुम्हें 8 लहंगे डाल देना और तुम्हें जब भी किसी मदद की आवश्यकता हो तो तुम कुएं में आवाज देना, ये लहंगे तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद परी सविता को जादुई 8 लहंगे दे देती है। सविता वो सारे लहंगे लेकर अपने घर आ जाती है।
घर जाने के बाद सविता वो सारी कहानी अपनी बेटी को बताती है। उसके बाद सविता उन सारे लहंगे को परी के बताए अनुसार पास के कुएं में रख देती है। अब इन लहंगों को कोई खतरा नहीं है, किसी को इन लहंगों के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। इस तरह लहंगे कुएं में सुरक्षित हो जाते हैं और दूसरी तरफ सविता अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करने में व्यस्त हो जाती है। लेकिन एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान आता है जिसमें सविता की झोपड़ी टूट जाती है और अब दोनों माँ बेटी बेघर हो जाती है। अरे ये क्या हो गया, मेरा घर तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, अब मैं क्या करूँगी, अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगी। अपने घर को टूटा हुआ देखकर दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और दोनों रोने लगती है। रोते रोते सविता के मन में ख्याल आता है कि वो परी के द्वारा दिए हुए जादुई लहंगे से इस समय मदद मांग सकती है क्योंकि उसे मदद की बहुत आवश्यकता है। कविता उन जादुई लहंगों के पास जाती है, तभी लहंगे कहते हैं, सविता हमारे रहते हुए तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इस समय पैसों की आवश्यकता है, हम तुम्हें ढेर सारे पैसे देते हैं। इसके बाद कुएं से एक लहंगा निकलकर ढेर सारे पैसे प्रकट कर देता है। ऐसा चमत्कार सविता और उसकी बेटी ने आज तक कभी नहीं देखा था। इसके बाद वो लहंगा वापस कुएं के अंदर चला जाता है। अरे वाह माँ, अब तो हमारे पास ढेर सारे पैसे आ गए हैं, अब हम इन पैसों से अपने लिए सुंदर सा घर खरीद सकते हैं। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम जल्दी एक नया घर खरीद लेते हैं। उन पैसों से सविता अपने लिए बहुत ही सुंदर सा घर खरीद लेती है। घर खरीदने के बाद सविता की देवरानी को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे कल तक तो इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और आज देखो इन्होंने रहने के लिए घर भी खरीद लिया। मुझे पता लगाना होगा कि सविता रातों रात अमीर कैसे हो गई है, कल तक तो इनके पास खाने के लिए खाना तक नहीं था और आज ये लोगों में पैसे बांट रहे हैं। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर माजरा क्या है। और उस दिन के बाद से अब सविता की देवरानी सविता के ऊपर नजर रखने लगती है। जहाँ भी सविता जाती उसकी देवरानी चुपके चुपके उसके पीछे जाती। एक दिन सविता कुएं के पास जाती है और वो कुएं से कहती है, हे जादुई कुआं, मैं गरीब लोगों के दुखों को दूर करना चाहती हूँ, जिस तरह आपने मेरी मदद की है वैसे ही मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे कुछ और पैसे दे दे ताकि मैं गरीब लोगों की जरूरत पूरी कर सकूँ। सविता के ऐसा कहते ही कुएं से सारे चमत्कारी लहंगे बाहर आ जाते हैं और वो सारे लहंगे मिलकर सविता को बहुत सारे पैसे देते हैं। तुम लहंगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं इन पैसों की मदद से जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगी। और इसके बाद वो सारे लहंगे वापस कुएं के अंदर चले जाते हैं। सविता की देवरानी ये सब खड़े खड़े देख रही होती है। अच्छा तो ये बात है, सविता इस तरह रातों रात अमीर हो गई है, इस कुएं के लहंगे इस सविता को पैसे देती है, मुझे किसी तरह से इससे ये लहंगे निकालने होंगे, उसके बाद मैं इस गांव की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। इसके बाद सविता की देवरानी रात होने का इंतजार करती है और रात होते ही वो दबे पांव सविता के घर के पास पहुंच जाती है और वो कुएं के अंदर चिड़ियों की सहायता से पहुंच जाती है। ये लालची औरत हमें यहाँ पर चुराने आई है, हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। इसके बाद सारे लहंगे आपस में बिजली प्रकट करते हैं और सारी बिजली उस लालची औरत के ऊपर छोड़ देते हैं। हाय राम, मर गई रे, मर गई, कोई मुझे बचा लो, अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई है जो मेरी मदद करे, कोई तो मुझे बचा लो, मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगी। बिजली के झटके खाने के बाद औरत कुएं से बाहर निकलती है और दुम दबाकर अपने घर पहुंच जाती है। घर आकर वो कहती है, सविता की बच्ची ने तो मुझ पर बहुत अत्याचार कर लिए, पर अब मैं और नहीं सहूंगी, मैं उस जादुई लहंगे को कुएं से चुरा कर रहूंगी। इस कहानी को आगे देखने के लिए हमें कमेंट करके बताएं और कहानी के अगले एपिसोड के लिए इंतजार करें।
केले के पत्ते वाला जादुई फ्रॉक। एक दिन अचानक बहुत तेज तूफान आती है। सुमन जंगल से पत्ते लेकर अपने घर आती है। सुमन को इतनी तेज तूफान में घर आते देखकर उसकी सास मीना उससे कहती है, अरे बहू, इतनी तेज तूफान में पत्ते लाने जाने की क्या जरूरत थी? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? माँ जी, अगर मैं पत्ते लेने जंगल नहीं जाती तो हम लोग क्या पहनते? आपको तो पता है ना, हम आदिवासी हैं और हमारे आदिवासी समुदाय में पत्तों का ही ड्रेस पहनते हैं। अगर मैं पत्ते लेने नहीं जाती तो हमें बहुत दिक्कत हो जाती। हाँ बहू, ये तो तू सही कह रही है, लेकिन अगर तुझे इतनी तेज तूफान में कुछ हो जाता तो मैं अकेले क्या ही करती? मीना और सुमन दोनों सास बहू थी। दोनों साथ में जंगलों में रहा करती थी। दोनों आदिवासी थे। तभी एक दिन जंगल में अचानक बहुत तेज तूफान आता है, जिसमें मीना अपने बेटे और सुमन अपने पति को खो देती है। जिसके बाद मीना और सुमन अपना गुजर बसर करने के लिए जंगल से शहर आ जाते हैं। शहर आने के बाद भी वो दोनों अपने आदिवासी सभ्यता को नहीं भूलते और दोनों पत्तों के कपड़े पहना करते थे। तभी एक दिन मीना अपनी बहू सुमन से कहती है, बहू, मुझे लगता है अब हम दोनों को कोई काम देख लेना चाहिए। अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो एक दिन भूखे मर जाएंगे। माँ जी, ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम दोनों तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। ऐसे में हम क्या ही कर सकते हैं और हम दोनों को कौन ही काम देगा? बहू, मैं सोच रही हूँ, हम दोनों को सिलाई करनी आती है तो क्यों ना कुछ सस्ते कपड़े खरीदकर उन्हें सिलकर बाजार में बेचना शुरू कर दे। इसी बहाने हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे और हम दोनों अपना गुजर बसर कर पाएंगे। माँ जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कल ही बाजार जाकर कुछ कपड़े लेकर आती हूँ और उससे सुंदर सुंदर ड्रेस बनाकर मैं उन्हें बाजार में जाकर बेच आऊंगी। सुमन अगले दिन कुछ पैसे लेकर बाजार जाती है और सस्ते कपड़े खरीद कर लाती है और दोनों साथ में मिलकर सुंदर सुंदर ड्रेस बनाते हैं और सुमन उसे बेचने के लिए बाजार में लेकर चली जाती है। सुमन केले के पत्ते का ड्रेस पहनी हुई थी। सुमन को केले के पत्ते का ड्रेस पहने हुए देखकर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जब लोगों की नज़र सुमन के सिले हुए कपड़ों पर जाती है तो वहाँ खड़ी एक लड़की माला सुमन से कहती है, अरे वाह, ये कितनी सुंदर ड्रेस है। ये ड्रेस तो मुझ पर बहुत सुंदर लगेगी। ये ड्रेस तो ब्रांडेड डिजाइनर जैसी लग रही है। सुनो, ये ड्रेस मेरे लिए पैक कर दो। जी ठीक है मैडम जी, अभी पैक कर देती हूँ। सुमन केले के पत्ते का फ्रॉक पहनी हुई थी और उसे देखकर लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। शाम होने तक सुमन की सारी ड्रेस बिक जाती है और उसकी अच्छी कमाई हो जाती है और वो पैसे लेकर घर आती है और अपनी सास मीना को देते हुए कहती है, माँ जी, आज हमारी बहुत अच्छी कमाई हुई है और हमारे सिले हुए ड्रेस लोगों को बहुत पसंद आ रही है। माँ जी, अब हम दोनों मिलकर ऐसे ही कपड़े सिलेंगे और बाजार में बेचा करेंगे। हाँ बहू, तू सही कह रही है, हम दोनों मिलकर मेहनत करके अपना गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन तू जो ये पत्तों वाले कपड़े पहनकर बाजार जाती है ना कपड़े बेचने के लिए, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। बहू, जंगल की बात अलग थी लेकिन यहाँ शहर के लोगों का रहन सहन अलग है। मेरी बात मान, तू भी अपने लिए कुछ कपड़े सिल ले। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरी इस पत्ते वाले ड्रेस की वजह से ही तो लोग मेरी ओर आकर्षित होते हैं और मुझसे कपड़े खरीदते हैं। अगर मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहनूंगी तो किसी का भी ध्यान मेरी ओर जाएगा ही नहीं और वो मेरे सिले हुए कपड़े खरीदेंगे भी नहीं। ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन दोनों सास बहू मिलकर बहुत सारे कपड़े सिलते हैं और सुमन उन्हें ले जाकर बाजार में बेचने लगती है। तभी वहाँ पर नवीन नाम का एक आदमी आता है और सुमन के कपड़े को देखकर कहता है, अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर ड्रेस है। ऐसा ड्रेस तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। वैसे कितने की है ये ड्रेस? भाई साहब, 800 रुपए की है ये ड्रेस। वैसे आपके लिए कौन से कलर का ड्रेस पैक कर दूं? हरी वाली या पीली वाली या गुलाबी वाली? अरे नहीं नहीं, मैं तो इस ड्रेस की बात कर रहा हूँ जो आपने पहना हुआ है। ये केले के पत्तों का ड्रेस बहुत सुंदर लग रहा है और ऐसा ड्रेस तो कहीं मिलती भी नहीं है। मेरा कपड़ों का बुटीक है, क्या तुम मेरे लिए ऐसे ही कुछ पत्तों का ड्रेस सिल दोगी? मैं भी अपने बुटीक में ऐसे पत्तों वाले ड्रेस रखना चाहता हूँ। जी भाई साहब, मैं जरूर आपके लिए पत्तों वाले ड्रेस सिल दूंगी।
वो आदमी ये बोलकर सुमन को 10 ड्रेस सिलने के लिए ऑर्डर देकर चला जाता है और एडवांस में पेमेंट भी देकर जाता है। सुमन घर आकर ये सारी बातें अपनी सास मीना को बताती है। माँ जी, आखिरकार मेरी इन पत्तों वाले ड्रेस लोगों को इतना पसंद आई कि मुझे केले के पत्तों वाले ड्रेस सिलने का ऑर्डर मिला है। पत्ते वाले ड्रेस तो मुझे पहले से ही बहुत अच्छे से बनानी आती है। आखिर हम आदिवासी समाज में पत्ते वाले ड्रेस ही तो पहनते हैं। ठीक है बहू, एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर जल्दी से 10 ड्रेस सिलकर तैयार कर देते हैं। मीना और सुमन दोनों साथ में मिलकर 10 पत्तों वाले ड्रेस सिलकर तैयार कर देती है और वो नवीन को दे देती है। उसके बाद ना तो नवीन उनके पास आता है और ना ही उसकी कोई खबर आती है। ये सब देखकर सुमन उदास हो जाती है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए ना, उस दिन के बाद से ना तो कोई ऑर्डर आया है और ना ही वो भाई साहब दोबारा कपड़े लेने आए। मुझे तो लगा था अब हमारी किस्मत बदल जाएगी। बहू तू चिंता मत कर और हिम्मत मत हार, सब ठीक हो जाएगा। मीना सुमन को समझाती है और उसे दिलासा देती है, जिसके बाद सुमन रोज की तरह कपड़े खरीद कर लाती है और उसे सिलकर अपने केले के पत्ते वाले ड्रेस पहनकर बाजार में सिले हुए कपड़ों को बेचने चली जाती है। तभी एक दिन नवीन उसकी दुकान पर आता है और सुमन से कहता है, सुमन तुम्हारी सिली हुई ड्रेस लोगों को बहुत पसंद आई है, लेकिन वो लोगों को अनकंफर्टेबल लग रहा है। लोग ऐसे पत्तों वाले ड्रेस पहनकर बाजार में घूम नहीं सकते और ये पत्तों वाले ड्रेस कुछ दिनों में खराब भी हो जाती है। लेकिन भाई साहब अब हम क्या कर सकते हैं? यही तो मैं सोच रहा हूँ सुमन, कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि ये पत्तों वाले ड्रेस का फैशन लोगों तक जाए और लोग इसे पहनने में कंफर्टेबल फील करें। सुमन और नवीन दोनों इस बारे में सोचने लगते हैं कि तभी सुमन के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो नवीन को बताती है, भाई साहब अगर हम केले के पत्ते वाले प्रिंट का ड्रेस बनाए और बेचे तो लोगों को पत्ते वाले फैशन भी मिल जाएगा और लोग पहनने में भी कंफर्टेबल फील करेंगे और वो पत्ते वाले प्रिंट खराब भी नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए 5 सैंपल तुम्हें पहले फ्री में तैयार करके देने होंगे, क्योंकि पहले ही मेरा बहुत नुकसान हो गया है। अगर वो सैंपल लोगों को पसंद आए और लोगों का डिमांड आया तो मैं तुम्हें अपने यहाँ ही नौकरी पर रख लूँगा। ठीक है भाई साहब, मुझे मंजूर है। सुमन ये बोलकर अपने घर आती है और अपनी सास को सारी बातें बताती है, जिसके बाद मीना और सुमन दोनों साथ में मिलकर बाजार से केले के पत्ते वाली प्रिंट के कपड़े लेकर आते हैं और उस कपड़े से सुमन 3 फ्रॉक बनाती है जो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। सुमन वो फ्रॉक नवीन को दे देती है, लेकिन कुछ दिनों तक नवीन का कोई खबर नहीं आता है। सुमन फिर से उदास हो जाती है। अब वो बिल्कुल ही हिम्मत हार चुकी थी और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए ना, वो भाई साहब फिर से हमारी दुकान पर नहीं आए। मुझे लगता है फिर से हमारा सिला हुआ कपड़ा लोगों को पसंद नहीं आया। लगता है अब हमारा काम नहीं चलेगा। अरे कोई बात नहीं बहू, अगर काम नहीं चला तो हम क्या कर सकते हैं, हमने कोशिश तो की ना। मीना अपनी बहू सुमन को फिर से समझाती है। ऐसे ही 3 दिनों बाद नवीन सुमन का घर ढूंढते हुए उसके घर तक आता है और घर आकर सुमन से कहता है, सुमन तुम्हारी ये केले के पत्तों वाले ड्रेस लोगों को बहुत पसंद आई है और हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर भी आए हैं और तुम्हारी ये पत्तों वाले ड्रेस विदेशों में भी बेचने की बातें चल रही है। क्या आप सच कह रहे हैं भाई साहब? मुझे तो लग रहा था कि मेरी ड्रेस इस बार फिर से नहीं बिकी, क्योंकि आपकी इतनी दिनों से कोई खैर खबर नहीं आई थी ना, इसलिए। नहीं नहीं, मैं तो किसी काम की वजह से दूसरे शहर को चला गया था। तुम्हारी ये ड्रेस लोगों को बहुत पसंद आई है और लोगों की बहुत डिमांड आ रही है। नवीन की ये बातें सुनकर सुमन और मीना बहुत खुश हो जाती हैं, जिसके बाद सुमन के दिन ही बदल जाते हैं और वो दोनों साथ में मिलकर नवीन की कंपनी में काम करने लगती है और वो कुछ ही दिनों में इतनी तरक्की करती है कि नवीन उसको अपना पार्टनर बना लेता है। अब सुमन और मीना दोनों सास बहू मिलकर शहर में बहुत बड़ा घर लेकर उस घर में शिफ्ट हो जाती हैं। सुमन के सिले हुए पत्ते वाले कपड़े अब विदेशों में भी बिकने लगते हैं, लेकिन दोनों सास बहू अपनी आदिवासी सभ्यता नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि केले के पत्ते वाली फ्रॉक की वजह से दोनों सास बहू को सफलता प्राप्त हुई थी। काली और गोरी बेटी का शादी का लहंगा।
शांति के गर्भवती होने की खबर से मुकेश बहुत खुश होता है और 9 महीने बाद शांति एक बेटी को जन्म देते ही मर जाती है। लेकिन जाते जाते वो उस बच्ची को सुहानी नाम देकर मुकेश के कंधे पर जिम्मेदारी देकर चली जाती है, जिसके बाद मुकेश अपनी उस नवजात बच्ची के पालन पोषण के लिए सुमित्रा नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेता है। जहां शादी के बाद सुमित्रा मुकेश से कहती है, लाइए बच्ची को मुझे दे दीजिए। सुमित्रा, सुहानी मेरी शांति की आखिरी निशानी है, तो तुम कभी भी इसके साथ किसी भी तरह का कोई सौतेलापन मत करना। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, माना कि सुहानी को मैंने अपने पेट से जन्म नहीं दिया है, लेकिन आज से ये मेरी बेटी है और मैं इसकी माँ हूँ। और इस तरह सुमित्रा अपनी मीठी मीठी बातों में मुकेश को पूरी तरह से फंसा लेती है और मुकेश के पीठ पीछे वो उस नवजात बच्ची को भूखा प्यासा रहने के लिए छोड़ देती है। और ऐसे ही गुजरते समय के साथ साथ सुमित्रा भी गर्भवती हो जाती है और 9 महीने बाद वो भी एक बेटी को जन्म देती है। और सुमित्रा की बेटी दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और गोरी होती है। अरे जरा देखिए तो सही, हमारी पायल दिखने में कितनी सुंदर और गोरी है, हमें तो इसकी शादी में दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। और इस तरह सुमित्रा अक्सर मुकेश के मन में सुहानी के लिए करवाहट भरती रहती है, जिसके बाद मुकेश ये तक भूल जाता है कि उसकी पायल के अलावा एक बेटी सुहानी भी है। वो आए दिन पायल के लिए नए नए खिलौने लाया करता था, वहीं सुहानी के पास अपना कहने के लिए कोई भी नहीं था। और ऐसे ही धीरे धीरे दोनों बच्चियां थोड़ी बड़ी हो जाती है और अपने गोरे रंग की वजह से पायल के अंदर बहुत घमंड होता है। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ काली गलूटी, चल हट शीशे के सामने से, मुझे भी तैयार होने दे। लेकिन पायल तुम पहले मुझे तैयार होने दो, मैं यहाँ पर तुमसे पहले आई थी। और इस तरह तैयार होने के चक्कर में दोनों बहनें आपस में बहस करने लगती है। उसी समय सुमित्रा वहाँ पर आती है और वो सुहानी को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है ना कि तू अपनी ये काली कलूटी सी शक्ल लेकर मेरी बेटी के आसपास भी मत आया कर। और पायल बेटी ये लो, मैं तुम्हारे लिए नया मेकअप किट लाई हूँ, तुम इसे इस्तेमाल करना, इससे तुम और भी ज्यादा सुंदर लगोगी। वही सुहानी अपनी आँखों में आंसू लिए अपने पिता मुकेश के पास जाती है और उससे कहती है, पिताजी माँ हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, आज मेरी गलती ना होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे फिर से थप्पड़ मारा, वो सिर्फ अपनी बेटी पायल को ही प्यार करती है। किस हक से तू मुझे पिताजी कह रही है, मैं सिर्फ पायल का पिता हूँ, तेरा नहीं, तूने तो पैदा होते ही मुझसे मेरी शांति को छीन लिया, तू मेरे लिए मनहूस है मनहूस, इसलिए अपना ये काला सा चेहरा लेकर यहाँ से चली जा। अपने पिता के मन में अपने लिए इतनी करवाहट देखकर सुहानी वहाँ से रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। और इसी भेदभाव के साथ दोनों बेटियाँ सुहानी और पायल अब शादी के लायक हो जाती है और मुकेश अपनी काली गोरी बेटी के लिए रिश्ते देखने लग जाता है। अरे ओ सुहानी, कहाँ है तू? जी पिताजी, कहिए क्या काम है? कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए कुछ पैसे ले और अपने लिए कोई अच्छा सा सूट या साड़ी खरीद लियो। और इस तरह मुकेश सुहानी को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही सुमित्रा सुहानी से पैसे छीन लेती है और कहती है, अरे कोई जरूरत नहीं है तुझे नए कपड़े खरीदने की, पायल के बहुत सारे पुराने सूट पड़े हैं, उसे में से कुछ पहन लियो। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मैं अपने सारे पुराने कपड़े भिखारियों में बांटने वाली थी, शायद अब ये तुम्हारे ही काम आ जाएंगे। सुहानी के लिए पायल के पुराने कपड़े पहनना कोई नई बात नहीं थी। और ऐसे ही अगले दिन सुहानी पायल का पुराना सूट पहनकर तैयार हो जाती है। उसी के कुछ देर बाद कौशल्या अपने बेटे अनिल के साथ सुहानी को देखने आती है, लेकिन सुहानी का काला रंग देखकर वो शादी के लिए इनकार कर देती है। माफ करना भाई साहब, लेकिन मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती। अरे कहाँ मेरा गोरा चिट्टा खूबसूरत बेटा और कहाँ आपकी बेटियाँ मावस का चांद, अरे कहीं आते ही मेरे घर में अंधेरा ना कर दे। माँ, लेकिन एक काले रंग की वजह से आप सुहानी को ठुकरा तो नहीं सकती,
अरे रंग में क्या रखा है, मन सुंदर होना चाहिए, इसलिए मुझे सुहानी पसंद है। अनिल पेशे से एक टीचर था, इसलिए वो एक खुले विचार का था। और सुहानी की शादी तय होने के दो दिन बाद पायल की शादी भी एक अमीर बिजनेसमैन आयुष से तय हो जाती है। और दोनों ही बेटियों के ससुराल से उनकी शादी के जोड़े आते हैं, जहां पायल सुहानी से कहती है, देखो मेरी काली बहन, मेरे ससुराल वालों ने कितना महंगा और खूबसूरत शादी का जोड़ा भेजा है। तुम्हें पता भी है ये लहंगा कितना महंगा है, पर तुम्हारे होने वाले पति ने तो तुम्हारे लिए ये सस्ता और गरीबों वाला लहंगा भेजा है। पायल, ये हमारा शादी का जोड़ा है, कम से कम तुम इसे तो पैसों से मत तोलो। और मैं तो अपने सस्ते से शादी के लहंगे में भी बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तुम्हारे लिए तो यही बहुत है। और इस तरह कुछ ही दिनों में शादी की रस्में शुरू हो जाती है। और सुमित्रा अपनी बेटी पायल के लिए हर रस्म के लिए महंगी से महंगी ड्रेस लेकर आती है। वहीं वो अपनी काली बेटी को एक सस्ती सी साड़ी पहनने को देती है। और कुछ ही देर में हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है, जहां मेहमानों के साथ साथ मुकेश और सुमित्रा भी अपनी बेटी पायल को खुशी खुशी हल्दी लगाते हैं। लेकिन वहीं सुहानी को गिने चुने कुछ लोग ही हल्दी लगाते हैं। और इस तरह शादी के समय भी दोनों बेटियों के बीच में काले और गोरे रंग की वजह से भेदभाव किया जा रहा था। फिर चाहे वो महंगी से महंगी ज्वेलरी हो या फिर उसकी शादी का महंगे से महंगा लहंगा। और वहीं सुहानी के साथ हर चीज में कंजूसी की जा रही थी। उसी समय सुमित्रा अपनी बेटी पायल से कहती है, अरे पायल बेटी, तुम्हारी पार्लर वाली आ गई है, अब तुम जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। माँ, आपने मेरे लिए पार्लर वाली नहीं बुलाई है। अरे तुझे पार्लर वाली की क्या जरूरत है, तेरे ऊपर तो कितना भी मेकअप लगा दो, तू लगेगी तो अमावस का चांद ही ना, तो फिर तेरे ऊपर पैसे वेस्ट करने का क्या फायदा, इसलिए जा और अपने आप ही तैयार हो जा। और इस तरह सुहानी नम आंखें लिए अपने आप से ही तैयार हो जाती है। और आंखों में आंसू लिए वो अपने पिताजी के पास जाती है और उनसे कहती है, पिताजी, आज मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली हूँ, तो कम से कम आज तो मुझ अभागन बेटी को आशीर्वाद दे दीजिए। उसी समय अचानक दीवार पर टंगी शांति की तस्वीर नीचे गिर जाती है और मुकेश को शांति से किया वादा याद आता है, जिसके बाद वो सुहानी के साथ किए गए भेदभाव के बारे में सोचकर फूट फूट कर रोने लगता है। और सुहानी से कहता है, बेटी अपने इस पिता को माफ कर देना, ना जाने सुमित्रा की बातों में आकर मैंने अपनी बेटी के साथ क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज तेरा ये अभागा पिता तुझे आशीर्वाद देता है कि तुझे इस दुनिया की सारी खुशियाँ मिले और तू अपने ससुराल में हमेशा खुश रहे। और ऐसे ही कुछ ही देर में दोनों बेटियों के फेरे शुरू हो जाते हैं। लेकिन अचानक से फेरे लेते समय पायल के लहंगे में आग लग जाती है, जिसे देखकर लोग इधर उधर भागने लगते हैं। उसी समय सुहानी अपना मंडप छोड़कर भागते हुए आती है और अपने हाथों से पायल के लहंगे में लगी आग को बुझाती है, और इस वजह से उसका हाथ भी जल जाता है। और वो पायल से कहती है, पायल मेरी बहन, तुम ठीक तो हो ना, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुहानी दीदी। देखो सुमित्रा, मेरी जिस बेटी को तुम जिंदगी भर ताना मारती रही, आज उसी बेटी ने तुम्हारी बेटी पायल की जान बचाई है। सुहानी मेरी बेटी, मुझे माफ कर देना, अगर आज तू नहीं होती तो ना जाने क्या हो जाता। और इस तरह सुहानी अपनी माँ को माफ कर देती है, जिसके बाद बड़े ही धूमधाम से काली और गोरी बेटियों की शादी और विदाई होती है। और शादी के बाद सुहानी अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।